आखिर भगवान शिव है कौन? एक सवाल जो हर किसी के मन में उठता है। क्या आप भी इसका उत्तर जानना चाहते हैं? आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस खास वीडियो में शिव भगवान जी के बारे में। दोस्तों, शिव संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। यजुर्वेद में शिव जी को शांति दाता बताया गया है। शी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला, जबकि वह का अर्थ है देने वाला यानी दाता। अब सवाल ये है, आखिर शिवलिंग क्या है? शिव की दोस्तों दो काया है, एक वह जो स्थूल रूप से व्यक्त की जाए, दूसरी वह जो सूक्ष्म रूपी अव्यक्त लिंग के रूप में जानी जाती है। शिव की सबसे ज्यादा पूजा लिंग रूपी पत्थर के रूप में की जाती है। लिंग शब्द को लेकर बहुत भ्रम होता है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह। इस अर्थ में यह शिवलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। शिवलिंग का अर्थ है शिव यानी परम पुरुष का प्रतीक के साथ संविहीन चिन्ह। अब जानते हैं कि शिव शंकर महादेव आखिर ये सब कौन है? इन्हें तो अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों, शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने में ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है, और शिव ने सृष्टि की स्थापना पालना और विनाश के लिए क्रमश ब्रह्मा विष्णु और महेश जो कि शंकर हैं, उनको तीन सूक्ष्म देवताओं की रचना की थी। इस तरह ही शिव ब्रह्मांड के रचयिता हुए और शंकर उनकी एक रचना। भगवान शिव को इसीलिए महादेव भी कहा जाता है। इसके अलावा शिव को 108 दूसरे नामों से भी जाना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। वहीं दोस्तों, आपने उनके अलग अलग नाम सुने होंगे, अलग अलग रूपों के बारे में सुना होगा, अलग अलग अवतारों के बारे में सुना होगा। अर्धनारीश्वर अवतार, जिसमें उन्होंने आधे नर और आधा मादा का रूप लिया था, यानी कि स्त्री पुरुष का समागम। वहीं उन्हें नीलकंठ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बारे में भी आप जानते होंगे कि समुद्र मंथन के समय, जब समुद्र मंथन हुआ तब उस समय समुद्र से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से दशों दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मचा और देवताओं और दैत्यों सहित ऋषि मुनि मनुष्य गंधर्व यक्ष सब कुछ उस गर्मी की चपेट में आने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उस खास विष का पान किया और कहते हैं उन्हें अपने गले पर रोक लिया। जब उन्होंने ऐसा किया तब उसके बाद से ही उनका नाम पड़ा नीलकंठ। तो दोस्तों, अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।